हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिलेबस के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो 2018 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उन लोगों ने एग्जाम दिया और वहाँ पर काफ़ी कम मार्क्स से वो कट ऑफ में नहीं आ पाए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, या बोल सकता हूँ मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो मेहनती तो बहुत हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दो मार्क्स से रह जा रहे हैं। आखिर उसका रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर यदि मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करूं, फिटर मेंटेनर की बात करूं, चाहे इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट सभी में आप देख सकते हो। वैकेंसी डिटेल्स की वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो होता क्या है एक्चुअल में, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, अपने आपको एनालाइज करना है, यानी कि अपने खुद के अंदर अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। सबसे पहले देखिए क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा स्ट्रांग है, यानी कि वो 75 क्वेश्चन जो टेक्निकल आ रहे हैं उसको तो 70 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल के आप लोगों के क्वेश्चन है उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत है। तो सबसे पहला आप लोगों का काम बनता है, जब भी आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, इसरो हो, या फिर डीएमआर, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद को पहचानो। क्योंकि देखिए, हर एक स्टूडेंट्स की अपनी वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ है। कई स्टूडेंट्स का टेक्निकल बहुत कमजोर है, लेकिन नॉन टेक्निकल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आप लोगों को पिछले जो भी आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं और उनमें आप जो कट ऑफ में एक दो मार्क्स से रह रहे हो, 5 मार्क्स से पीछे रह रहे हो, 10 मार्क्स से पीछे रह रहे हो, तो अपने आप को पहले देखना है कि आखिर जो मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था डीएमआरसी का, चाहे इसरो का, या किसी भी एग्जाम को टेक्निकल एग्जाम दिया, तो वहां पर मेरी क्या वीकनेस रही, क्या मेरी गलती रही वहां पर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आइडेंटिफाई आप लोगों को करना होगा, और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन दोस्तों यही कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको यदि आप लोगों ने देख लिया और उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, लगन से आप लोगों ने काम कर लिया, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आगे वाला जो कट ऑफ रहेगा वो आप स्टूडेंट्स का रहेगा। क्लियर है, जो स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि आखिर मैं मैथ के, जैसे 10 क्वेश्चन यदि मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, तो मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। क्योंकि आप लोगों को पता है कट ऑफ में आने के लिए लगभग कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, पिछले ईयर का आप लोग कट ऑफ देख सकते हो डीएमआरसी का, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को तैयारी करनी है। क्लियर है, वहां पे प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और सभी को अलग अलग रखना है, यानी कि टेक्निकल अलग रखना है, नॉन टेक्निकल अलग रखना है। टेक्निकल में मैं कितना कर पा रहा हूं, नॉन टेक्निकल में क्या मैं एवरेज मार्क्स भी ला पा रहा हूं। तो चलिए, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेंटेनर पोस्ट की। क्लियर है, ऑल ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10th प्लस आईटीआई, चाहे आपने एनसीबी बीटी से किया हो, एससीबीटी से किया हो, अप्लाई कर सकते हो। यहां पर बहुत अच्छा मौका है एससीबीटी वालों के लिए, बिकॉज एससीबीटी वाले भी यहां पर एलिजिबल हैं, तो वो लोग बिल्कुल मौका ना छोड़ें, और मैं कहता हूं मेहनत करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। देखिए यदि दोस्तों मैं सिलेबस की बात करूं, तो मैं ऑल ट्रेड की बात कर रहा हूं, पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं। यहां पर सबसे पहले यदि मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, और इनको हल करने के लिए आपके यदि टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं, तो आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट के समय में आप लोगों को 120 क्वेश्चन को हल करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आखिर आप लोगों का टाइम कहां पर ज्यादा कंज्यूम होगा, क्या टेक्निकल में आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, जो टेक्निकल के आप लोगों के 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्या उसमें आप लोगों का ज्यादा टाइम जाएगा, नहीं जाएगा। दोस्तों एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट अपना ऐसा होता है, यदि वो आप लोगों
लोगों को फंडामेंटल क्लियर है, एमसीक्यू क्लियर है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन देखोगे और उसका राइट आंसर लगा दोगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। टाइम कहां जाएगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों का टाइम जाएगा, और टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे वहां पर थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों का कंज्यूम होगा। तो देखा जाए तो 120 क्वेश्चन मेंटेनर पोस्ट में पूछे जाने हैं, और उसके लिए 90 मिनट यदि डीएमआरसी दे रहा है बहुत सफिशियंट टाइम है। टाइम का कोई इशू आप लोगों को आने वाला नहीं है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड बात आती है, तो यहां पर देखिए क्या क्या आप लोगों के टॉपिक रहेंगे। ट्रेड थ्योरी की मैं बात करूं तो ट्रेड थ्योरी आप लोगों की डेफिनेटली 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यदि आप मेंटेनर पोस्ट में क्वालिफाई होना चाहते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्निकल का कि 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के, जैसा कि पिछला 2018 में आपने देखा होगा 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट यदि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप लोगों के लिए एक ऐड है जनरल इंग्लिश का, यहां पर लगभग 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब यह है जो आपका जो सेकंड पार्ट है वो लगभग इस टाइप से पूछता है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन कर सकता है, 12 क्वेश्चन कर सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, यानी कि वो लगभग इस रेशो में पूछता है। तो यानी कि ये जो मैंने सेक्शन बताया इन सभी से मिला के आप लोगों का रहेगा टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन आप लोगों की ट्रेड थ्योरी से रहेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, यदि आप लोगों का ट्रेड फिटर है तो फिटर से आप लोगों के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप लोगों का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से आप लोगों के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी आप लोगों का ट्रेड है उस ट्रेड में आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए ऑल टेक्निकल टॉपिक को, तो वहां से 75 क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो। बाकी यदि मैं बात करूं तो इन टॉपिक को आप लोगों को देखना होगा जिनसे लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों के करेक्ट होना ही चाहिए, जब भी आप जो है कट ऑफ में आ सकते हो। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में लगभग 75 क्वेश्चन में से यदि आप 65, 67, 68 या फिर 70 क्वेश्चन तक करेक्ट नहीं करते हो तो आप बहुत पीछे हो, क्योंकि टेक्निकल हमारा एक लिमिटेड सिलेबस होता है। यदि आप लिमिटेड सिलेबस को कवर करके नहीं चलते हो तो फिर कैसे कट ऑफ में आ पाओगे। तो टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए यदि मेंटेनर पोस्ट को क्वालिफाई करना है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट को कवर करें, देन हमारा ये कॉन्सेप्ट है, बाकी के नॉन टेक्निकल है उनमें एवरेज मार्क्स लाइक आना ही चाहिए। वहां यदि पीछे रह जाओगे और वहां यदि आप काफी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो भी तो आप कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हो ना, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो यहां से आप लोगों को क्या करना है, अपने टाइम टेबल को फिक्स करना है कि मुझे नॉन टेक्निकल में इन टॉपिक पर कितना टाइम देना है और अपने टेक्निकल पर कितना टाइम देना है। वो अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट्स का टेक्निकल कितना मजबूत है, नॉन टेक्निकल कितना कमजोर है, तो उसके ऊपर आखिर आज नहीं तो कल काम करना ही होगा, और आप लोग ही कर सकते हैं वो। तो जरूर अपनी वीकनेस के ऊपर काम करिए जब भी आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं तो जैसे आप पिछली बार पीछे रह गए थे इस बार भी पीछे रह जाओगे। क्लियर है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो थोड़ा सा मैं यहां पर दोस्तों क्लियर करना चाहूंगा फिटर ट्रेड वालों के लिए, बाकी यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा फिटर मेंटेनर पोस्ट के लिए। मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया 2018 को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, और जो भी मैं वीडियो बनाया हूं उसकी डिस्क्रिप्शन में वहां पर उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से डीएमआरसी के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जितने भी सेट मेरे पास अवेलेबल हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2018 के और 2016 के भी मेरे पास अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो वो मैं आप लोगों को फ्री में एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों को एक से दो दिन में वो पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करना है बताऊंगा, कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, फ्री रहेगा आप लोगों के लिए पीडीएफ, बेफिक्र रहिए। क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं मेंटेनर फिटर ट्रेड वालों के लिए, क्योंकि मैं उसकी सारी स्टडी कराता हूं, कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूं, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता सकता हूं कि इन टॉपिक से आप लोगों के
ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, क्लियर है। तो इन टॉपिक के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला आता है हमारा फास्टनर चैप्टर। फास्टनर चैप्टर हमारा एक ऐसा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 75 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। अब देखिए फास्टनर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसमें हमारी वेल्डिंग भी आ जाती है, रिवेटिंग भी आ जाती है, तो फास्टनर में सभी को आप लोगों को क्लियर करना है। प्लस फोर्जिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है एंड हीट ट्रीटमेंट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, बहुत क्लियर होने चाहिए। प्लस यदि देखिए अब यहां पर सबसे फर्स्ट में आप लोगों के होने चाहिए फास्टनर, मेटल, हीट ट्रीटमेंट, ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो वेल्डिंग हमारा हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं यहां से, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे वो कहां हीट ट्रीटमेंट से पूछे जाते हैं, बियरिंग से पूछे जाते हैं, फास्टनर से पूछे जाते हैं। तो फास्टनर की ओर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा सा डीपली फोकस कर लीजिएगा, नट के टाइप के बारे में, बोल्ट के टाइप के बारे में। तो इनके क्या है, एमसीक्यू तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल जरूर क्लियर करिएगा, क्लियर है। जो मैं चैप्टर बता रहा हूं उनका फंडामेंटल प्लीज एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदा देगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं एज इट इज वो पूछेगा, फंडामेंटल एटलीस्ट आप लोगों का क्लियर होगा टेक्निकल में, तो वो क्वेश्चन कहीं भी देगा आप रिलेट कर लोगे और उसका डेफिनेटली राइट आंसर दे सकोगे, क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूं तो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया, काफी सारी वीडियोज अवेलेबल है लिमिट फिट टॉलरेंस की चैनल पर, तो वहां से आप लोग देखकर भी इसको सारा कवर कर सकते हो, बहुत डीपली मैंने स्टडी कराया है। डेफिनेटली आप सारी वीडियो यूट्यूब की भी देख लेते हो लिमिट फिट टॉलरेंस की, तो वहां से कवर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहां पर थ्रेडिंग आ जाती है जो कि फास्टनर के अंतर्गत ही हमारी आ जाएगी, फोर्जिंग है, मेटल है, हीट ट्रीटमेंट है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, यानी कि इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है हमारे फिटर के। बाकी के भी काफी सारे टॉपिक हैं, थ्रेड टॉलरेंस है, काफी सारे टॉपिक हैं हमारे, उनको भी आप लोगों को कवर करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देना है, क्योंकि यदि ये आप लोगों के क्लियर नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के छूट जाएंगे जो कि नेक्स्ट स्टूडेंट करेगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो भी आप लोगों की ट्रेड है, चाहे इलेक्ट्रिशियन वाले हो, उनको भी यहां पर क्लियर करना है। मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, फिटर मेंटेनर क्वेश्चन पेपर का टोटल पीडीएफ रहेगा, उसमें काफ़ी सारे जो भी सेट मेरे पास अवेलेबल हैं वो सभी का मैं एक पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो बेफिक्र रहिए। और दोस्तों यदि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑल टॉपिक को आप डिटेल्स में क्लियर करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को कोर्सेज भी प्रोवाइड करा दिया है। कोर्सेज किस प्रकार ज्वाइन करना है, आप लोगों को स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया है, तो वहां से जाकर आप स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.specialtechnoonlinecoaching.com, यहां से जाकर आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां से आप लोग डिटेल्स में सारे टेक्निकल टॉपिक को कवर कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं इसकी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं पिक कर रहा हूं जो कि डीएमआरसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लगभग मैं 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाऊंगा, यानी कि 1500 टेक्निकल क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाऊंगा। यदि आप लोगों को लगता है कि मेरा फंडामेंटल क्लियर है, मुझे ओनली प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वहां पर उनके थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो वहां पर यह बेनिफिट हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि ऑलरेडी मेरा फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ओनली मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, क्लियर है। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और इससे आप लोगों को हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हो और टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, DRDO, ISRO, DMRC, BHEL, SAIL, GAIL, तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.specialtechnoonlinecoaching.com। यहां पर ऑल टेक्निकल एग्जाम की कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे।